अस्सलाम वालेकुम रिफत आपा। आपने देखा कि हमने फायजा से रिश्ता करके क्या फायदा उठाया? शादी से पहले उसकी कितनी तारीफें सुना करते थे और बाद में तो उसकी सुस्ती ही दूर नहीं होती। अब उसी घर से एक और बहू लाकर मैं मजीद मुश्किलात नहीं पाल सकती। साफ साफ बोलो, अम्मी से डर लगता है। मैडम, मुझे अम्मी से डर नहीं लगता। कोई आ गया? होल्ड करो, मैं भी तुमसे बात करता हूँ। किससे बात कर रहे थे? वो तुम फोन को छोड़ो, ये बताओ कि काम क्या है। अच्छा, वो मुझे आपकी व्हाइट शर्ट चाहिए, कल कॉलेज में फंक्शन। मेरे पास कोई व्हाइट शर्ट नहीं है, समझे? तुम एक काम करो, नहीं खरीदो। यार ये मैं कैसे कर सकता हूँ? और कौन इतनी सुबह को दुकान खोल के बैठा होगा मेरे लिए? तो मैं क्या करूँ भाई, तुम पहले भी मुझसे कई शर्ट्स लेके जा चुके हो और मजाल है जो एक शर्ट भी तुमने वापस की हो। अरे भाई, मैं भी दिल के हाथों मजबूर हूँ। आपकी पसंद ही इतनी अच्छी होती है कि डायरेक्ट दिल पे जाके लगती है। हाँ जी, वाह वाह जी, वाह वाह। प्लीज यार, तो आई रियली नीड इट। मैं कल शाम तक वापस कर दूंगा ना। अच्छा फिर आप एक काम करो, ठीक है, आप मुझे शर्ट दे दो और कल मैं आपको एक नई तलाक दूँ। मेरे पास कोई शर्ट नहीं है। अरे भाई नहीं है ना? अरे यार साम, ये मेरी फेवरेट शर्ट है यार, प्लीज। एक मिनट, अच्छा अच्छा दिखाओ तो। तुम ये शर्ट तो दो, तुम एक काम करो मुझसे पैसे ले लेना और कल जाके दूसरी ले लेना। ये मेरी फेवरेट शर्ट है, ये नहीं दूंगा। अरहाम भाई बस एक बार यार। कह दिया ना भाई, प्लीज। नहीं तो नहीं। ओके राबिया, राबिया, राबिया। हेलो हेलो राबिया। अरे यार क्या अरसा, तेरे चक्कर में तेरी भाभी यहां से निकल गई। रानी सुनो, यहाँ आओ। जी ये क्या है, ना नाश्ता ना कुछ, कहाँ है सब कुछ? वो बेगम साहिबा मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ भाई तुम क्या कह सकती हो, फायजा कहाँ है? अभी तक तो आई नहीं, शायद अपने कमरे में होंगी। जाओ जाके बुला के। जी अच्छा रुको, मैं खुद बुला के लाती। हमने भी बच्चे पैदा किए मगर यहाँ तो डेढ़ दो महीने से आराम ही खत्म नहीं हो रहा। फायजा, फायजा क्या है, सोने दीजिए ना। फायजा, फायजा उठो, दरवाजे पर दस्तक हुई है, कोई आया है शायद। लाइन लाइन मुझे दें फैजान को, मैं देखती हूँ। हाँ जी। अच्छा आप तो सो जाए ना जल्दी से, लेट जाए। अम्मी, ईशल, अबू सब आ जाए, नाश्ता लग गया। ओ हो, भाई वाह वाह वाह, गर्मा गर्म पराठे। हाँ हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, बना ही ला जाओ भाई। नहीं अब्बू, वो चूल्हे पे चाय रख के आई हूँ, वो लेकर आती हूँ। माशाल्लाह, वैसे तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, जरा सबक सीखो इससे। अम्मी बाद में बातें कर लेंगे, अभी नाश्ता ठंडा हो जाएगा, नाश्ता करें। अरे तुम भी आओ ना, मैं चाय लेकर आती। अच्छा तुम सो रही थी क्या? नहीं मुमानी जान, मैं तो फैजान को सुला रही थी। और ये असलम कब सोया? असलम तो रात से सो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो इसकी आवाजें आ रही थी। जी हाँ, वो नींद में बड़बड़ा रहे थे। नींद में? और इसके हाथ में क्या है? छुनछुना है, फैजान को चुप करवा रहे थे। एक मिनट,
ये फैजान को सुला कौन रहा था? मैं। और चुप असलम करवा रहा था? जी। मगर अभी तो तुमने कहा कि वो रात से सो रहे। वो नींद में चुप करवा रहे थे। नींद में तो मुझे तुम लग रही हो। चलो फैजान को किसी और को दो और चल के मुझे नाश्ता बना के दो किचन में। और हाँ वो ये झुंझुना पहले इस हाथ में था, दूसरे हाथ में कैसे आ गया? मारी जान, अब ये तो झुंझुना ही बता सकता है ना। क्या? मेरा मतलब है कि असलम तो सो रहे हैं, अब वो कैसे बता सकते हैं? पता नहीं क्या कह रही हो, सर में दर्द कर दिया मेरे। आके चाय बना के दो मुझे जल्दी से। जी मुमानी जान, आ रही हूँ। आज बिजली के बिल की आखिरी तारीख है, नाश्ते से फुर्सत मिल जाए तो जाते हुए जमा करवा दीजिएगा। रखे रहो बिल को, अगले महीने जमा करा देंगे। क्या मतलब है आपका? अगले महीने क्यों? अब क्यों नहीं? पैसे नहीं है इसलिए नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तनख्वाह मिले हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, कहाँ गए पैसे? जवाब दें। जरूर लॉटरी खरीद ली होगी। अरे मेरी बात का जवाब तो दे, जब भी आपसे कोई ऐसी बात पूछी जाए भाग जाते। तो मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? इन लॉटरियों से कुछ नहीं मिलने वाला, जो चार पैसे जमा होते वो भी इन चीजों में जाया हो जाते। क्यों? महीने का राशन, रोज का दाल सब्जी, दूध, बिल, ये खर्चे कौन पूरे करता है घर के? हाँ हाँ, घर का खर्चा जिस तरह चलता है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या रो रो का गुजारा करना पड़ता है मुझे। बात सुनो, क्या कमी है? क्या कमी है बताओ मुझे? ये जो अगले महीने मैंने बिल जमा करवाने के लिए कहा है, वो भी मैं ही जमा करवाऊंगा। कोई फरिश्ते नहीं आएंगे जमा करवाने के लिए। और अगले महीने कहाँ से पैसे आएंगे? कोई बैंक लूट के आओगे तुम? जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, बिजली का बिल जमा करवाने के बाद 10 तारीख के बाद फिर खाली हाथ बैठ जाओगे। आ गई आपसे तुम पर। तुम्हारी नजर में पैसे की इज्जत है, इंसान की नहीं है। शादी के बाद से अब तक इज्जत ही तो करती आई हूँ, क्या मिलता है इज्जत करने से? इज्जत करने से ना घर चलता है और नहीं पेट भरता है। अच्छा सुबह ही सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो बस। हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है दिमाग खराब करने का, बस सही तरीके से घर चला। फिर तुम्हारा नाम भी पुकारूं तो मेरा नाम बदल देना। जी हाँ, नाम बदल देना, मैं खजाना लूट के ले आऊं तसल्ली नहीं होगी तुम्हारी। अरे दो बेटियों का जहेज तो बना नहीं सके, खजाना कहाँ से लूट के आओगे? ये काम औरतों के करने के होते हैं, जिस दिन बेटी पैदा होती है माँ उसी दिन से फिक्रमंद हो जाती है। हाँ हाँ, माँ ही को हर फिक्र करनी चाहिए, और बाप को तो जवान बेटियां नजर ही नहीं आती। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज तक किया किसने सब, जो तुम रोजाना कोई ना कोई बहाना करके झगड़ने बैठ जाती हो मुझसे? बेटियों की शादी के लिए जो कुछ करना है मैंने ही करना है, सिर्फ मैंने करना है। तुम्हारे मैके से नहीं आएंगे लोग यहाँ काम करने के लिए? सारा जेवर तो भेज डाला ना, मेरे मैके से ही मिला था ना। अगर आज वो मेरे पास होता तो बेटियों के जायज के लिए कुछ ना कुछ। बस बस, खबरदार जो एक लफ्ज भी निकाला मुझसे समझ सुबह दिमाग खत्म कर। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, सिर्फ मुझे डांटना आता है, घर को तो मुझे ही देखना पड़ता है ना। रात में ना बड़ा मजा आया, अरसाम उसे वाइट शर्ट मांगने आया था, मैंने उसे मना कर दिया। अब देखते क्या पहन क्या है। वाइट शर्ट, हाँ लगता है कि तुम्हारे कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है ना।
वैसे भाई व्हाइट शर्ट में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वैसे मेरे पास भी एक व्हाइट शर्ट है, अगर तुम वो पहन लेते ना तो और ज्यादा अच्छे लगते। हाँ वो शर्ट तो भाई पे बहुत ही ऑसम लगती। अरसाम भाई नेवर माइंड, अगली बार फिर ट्राई करना। क्या हुआ तुम लोग नाश्ता नहीं कर रहे? भाभी बना रही हैं। क्या बात है भाई, तुम लोग अभी तक गए नहीं, क्या छुट्टी है? अब्बू नाश्ता करेंगे तो जाएंगे ना। इतनी देर हो गई, तोबा है दूसरा भी अंदर टूट गया, मैं कैसे करूंगी? तुम्हारे जान मेरी जान निकाल लेंगी। जान ये तुम क्या नाश्ता बना रही हो? ये रात का खाना, तुम्हारी स्पीड देखकर तो लगता है कि रात का खाना भी बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। मुमानी जान बस थोड़ी देर में किचन में आना जाना रहता तो ये हशर ना होता तुम्हारा। मुमानी जान बस थोड़ी देर में मैं कर लूंगी। छोड़ो परे, मैं खुद कर लूंगी, सारी उम्र करती आई हूँ। नहीं मुमानी जान आप प्लीज बैठे, मैं सब कर लूंगी, 15 मिनट में रेडी कर लूंगी। वैसे तुम्हें तुम्हारी माँ के यहाँ मैंने 1.5 महीना इसलिए भेजा था कि तुम कुछ सीख कर आओगी जो पहले सीख कर नहीं आई थी। फैजान की पैदाइश के बाद जो तुम गई तो कुछ भी सीख कर नहीं आई वहाँ से। दरअसल गलती मेरी है, जो लड़की 25 साल की उम्र तक कुछ नहीं सीख सकी वो अब क्या सीखेगी? चलो ऑटो यहाँ से उठाओ ये सब। बस अभी 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 कर रही हूँ मानी जान, ये देखिएगा 5 मिनट लगेंगे सिर्फ, ये देखिएगा। मनाहिल तुम तो कुछ देर पहले ही निकली थी, अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? वो बस का वेट कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ अरहाम भाई या उनकी गाड़ी को कहीं देखा? नहीं जब से मैं यहाँ खड़ी हूँ तब से तो नहीं। ये कोई टाइम है आने का? आपको पता है मैं कितनी देर से कैंटीन में वेट कर रही थी? हाँ वो थोड़ा लेट हो गया, आओ बैठो। ऐसे कैसे लेट हो गए? आपको अपनी बहन की जरा भी फिक्र नहीं है? सना वरिया क्यों कर रही है, कहाँ ना आके बैठे? आपको देर हो रही ना तो जाएं, मैं नहीं आ रही। मुझे तुम्हें घर छोड़ के डैडी से भी मिलने जा। आपके जाने से पहले ही मैं उन्हें कॉल कर दूंगी, फिर देखे कैसे डांट पड़ती है आपको। अच्छा नहीं आ रही ना? नहीं। अरे एक मिनट चुपचाप आके बैठ जाओ। ऐसे नहीं बैठूंगी, पहले प्लीज कहें फिर बैठूंगी। ठीक है माताओ, अब टैक्सी और रिक्शा ही लेके आना। अच्छा ना आ रही हूँ, बाय। अच्छा तुम्हारी बहन का फोन आया था भाई, बहुत परेशान लग रही है। क्यों बेटा तुम्हें कैसे समझाऊं, औरत जब माँ बन जाती है तो उसकी जिम्मेदारियाँ दुगनी नहीं बल्कि तिगनी हो जाती है। उसने पहले कौन सा जिम्मेदारियाँ पूरी कर ली? बेटा बकवास मत करो, उसके पास छोटा सा बच्चा है, वो उसे संभाल रही है, घर को देख रही है और तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। जब तुम माँ बनोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। तब की तब देखेंगे, अभी से क्यों टेंशन दे रही है? अच्छा तुम्हें कल भी कॉलेज जाना है? नहीं आजकल छुट्टियां हैं, मैं तो ऐसे टाइम पास करने जाती हूँ। मेरी एक बात सुनो, तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए फैजा के घर चल जाओ, वैसे भी तुम्हारी छुट्टियां आने वाली है ना आगे से। और मुमानी के घर? नहीं भाई इससे अच्छा आप मुझे जेल भेज दे, एक तो वैसे ही उनके सामने तमीजदार बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है, मेरा दम घुटता है वहाँ पे। अम्मी बेटा क्यों जबान चला रही हो, तुम्हें आखिर एक दिन उन्हीं के घर जाना है, इसलिए अभी से आदत डाल लो बस।
अम्मी प्लीज मेरे साथ ये जुल्म मत करें। देखो मैंने कह दिया है तो तुम्हें जाना पड़ेगा बस। लेकिन अम्मी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अगर तुम नहीं ना जाओगी, मेरी बात नहीं मानोगी ना, तो मैं ये तुम्हारे सारे ये इंटरनेट और फोन और ये सब कुछ ना, सब कुछ बंद कर दूंगी और तुम्हें अपने ही घर में जेल की तरह रहना पड़ेगा। आई समझ? ठीक है लेकिन सिर्फ 2-3 दिन। मेरी अच्छी बेटी क्या ना मान लेती है। मेरी तो हमेशा से ये ख्वाहिश है कि रिफत आपा खुद अपने मुंह से आराम के लिए मनाल का रिश्ता मांगे। अगर आपकी और आराम भाई की शादी हो गई तो मैं दूध पिलाई के 50,000 से कम नहीं लूंगी। मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप कि आपकी शादी आराम भाई से होगी। क्या हुआ अभी? आप परेशान है क्या? नहीं परेशान नहीं हूँ मैं। कहीं आप अम्मी अबू के झगड़े की वजह से तो परेशान नहीं है? अम्मी अबू का झगड़ा? अम्मी अबू का कब झगड़ा हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो तो पुरानी बात है, मुझे लगा शायद आप वही सोच रही होंगी। ईशा देखो झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, मुझे अब बताओ किस बात पे झगड़ा हुआ है? वो आप ही, दरअसल अम्मी ने बिल के लिए पैसे मांगे थे अब्बू से और वो बिना दिए ही चले गए, इसी वजह से अम्मी बहुत रो रही थी। अच्छा चलो तुम उदास नहीं, मैं खुद जाके अम्मी से बात करती हूँ। जी हौसला रखे, अगर आप भी हिम्मत हार जाएंगे तो हम सबको कौन संभालेगा? बेटा मैं तो 2-4 आंसू आकर चुप हो जाऊंगी, अगर तुम्हारे अब्बू को कौन समझाए? आज तक क्या मिला इन लॉटरियों से हमें? इंसान मेहनत करके कहां से कहां पहुंच जाते और हमें देखो पल पल के मोहताज। हिम्मत रखे अम्मी, अल्लाह बेहतर करेगा। एक तो मुझे इन मर्दों की अना की समझ नहीं आती, अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो औरत को बाहर जाने दे, उसे कमाने दे, लेकिन वो भी नहीं। अगर आज तुम्हारे अबू ने मुझे घर से बाहर जाने दिया होता तो कुछ तो जमा कर लेती, यूं लोगों के सामने हाथ तो न फैलाने पड़ते हमें। अम्मी आप हौसला रखें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। हाँ उसी पे तो भरोसा है, और किस पे होगा। ये ले आओ 2 के टमाटर। मुमाने जानी आप क्या कर रही हैं? छोड़िए मैं कर देती हूँ। रहने दो बीबी, बस अपना बच्चा ऐसे संभाल लो, यही बहुत है, खाना बन जाएगा। हाँ खाना तो बन जाएगा, वैसे मैंने राबिया को भी फोन कर दिया है तो वो कुछ दिन यहीं पे रहेगी और बच्चा संभाल लिया करेगी, घर के सारे काम मैं कर लिया करूंगी। किससे पूछकर बुलाया तुमने राबिया को? वो मैं, कोई जरूरत नहीं राबिया को बुलाने की, अभी के अभी उसे फौरन फोन करके मना करो। राबिया को बुला लिया। मैं वो अरे आलिया तुम अचानक यहाँ? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक। राबिया खैर, वैसे तो ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो, लेकिन बताकर आती तो अच्छा होता, कम से कम इंसान तुम्हारी खातिर तवाज़ो का इंतजाम ही कर ले। कैसी हो राबिया?
अस्सलाम वालेकुम मामानी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम बताओ? अच्छा चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई, लगता है राबिया बेटी तो काफी लंबा रहने का प्रोग्राम बना के आई है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है आपा, इसकी छुट्टियां थी दरअसल, तो मैंने कहा घर में फारिग बैठने से बेहतर है कि आपके यहाँ चल के कुछ काम काज सीख ले, और फिर आपके साथ चले तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन कुछ भी कह लो भाई, है तो मोमानी का घर, दो चार दिन में घबरा के वापस भाग जाएगी। नहीं नहीं, सिर्फ मोमानी का घर ही नहीं, बल्कि ये घर तो अपनों से भरा पड़ा है, और मैं तो ये कहूंगी कि इस घर में तो हमारे घर से ज्यादा रौनक है आपा। मेरा तो ये दिल करता है कि मैं इसको सारी जिंदगी के लिए यही छोड़ जाऊं। अच्छा अरहाम, ये बताओ कि तुम्हें लड़की कैसी पसंद है? वो ऐसी हो जो दिल की बात कहने में बिल्कुल ना घबराए, जो दिल में हो कह दे। छत पे क्या हो रहा था भाई? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से देखा है राबिया के साथ छत।